हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल साड़ी की ड्रैपिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने राइट हैंड साइड में अपनी साड़ी का लास्ट वाला जो कॉर्नर है नॉन पल्लू साइड, उस साइड से हमें टक करते हुए चलना है। टकिंग करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो टकिंग हो वो एकदम नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि यही हमारी साड़ी का बेस होता है। अगर ये बेस अच्छा नहीं होगा तो हमारी साड़ी नीट एंड क्लीन तरीके से ड्रैप नहीं होगी। तो हमें ये पूरा जो अपना बेस है उसे नीट एंड क्लीन रखना है। और अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं अपने पल्लू वाले पोर्शन के साइड। ये देख सकते हैं आप, ये पल्लू पर वर्क हो रखा है, ये बहुत ही प्यारा वर्क है इस पल्लू पर। पल्लू के पास आ जाने के बाद हम अब पल्लू की प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। पल्लू की प्लेट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी फिंगर एंड थंब का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मेथड बहुत ही ईजी है प्लेट्स बनाने के लिए। मैं हमेशा इसी मेथड का यूज़ करती हूँ अपनी प्लेट्स बनाने के लिए, मुझे ये पर्सनली इजी लगती है। और उसके बाद हम अपने बाकी की मतलब जो प्लेट्स हैं उनको धीरे धीरे करते अरेंज करते हुए चलेंगे। इनको कम कम स्पेस में ही हम अरेंज करेंगे। अगर हम एक साथ इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक से नहीं हो पाती है, तो हम थोड़े थोड़े गैप पर इनको अरेंज करेंगे। थोड़े थोड़े गैप पर अरेंज करने से प्लेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से अरेंज हो पाती हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसी तरह से करिएगा, जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप कर सकते हैं ज़्यादा गैप लेकर के अरेंज, पर बिगिनर्स को नहीं करनी चाहिए। कम कम गैप में ही प्लेट्स को जो है वो अरेंज करनी चाहिए। उसके बाद इसे हम अपने कंधे पे रख लेंगे, मतलब जिसको भी हम साड़ी ट्रैप कर रहे हैं उसके कंधे पे हम ये पल्लू वाला पोर्शन रख देंगे। देन यहाँ पे एक सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इन्हें अच्छे से सिक्योर कर देंगे। सेफ्टी पिन से सिक्योर करने से पहले हम इन्हें एक बार और अच्छे से अरेंज कर लेंगे शोल्डर पे रखने के बाद, ताकि प्लेट्स इधर उधर ना जाएँ। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो पिन है वो आप शोल्डर से हल्का सा नीचे ही लगाएँ। उसके बाद हम जो है आगे वाली जो प्लेट्स हैं हमारे शोल्डर के नीचे, तो उनको अरेंज करेंगे एक बार। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप किस तरह की साड़ी रैपिंग की वीडियोस चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस तरह की रैपिंग वीडियो लेके आऊँ। और अगर आपका कोई भी डाउट है साड़ी से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने जो प्लेट्स अरेंज की उनको भी हम एक और पिन से सिक्योर कर देंगे, ताकि हमारी साड़ी के प्लेट्स जो है वो इधर उधर ना भागें। उसके बाद हम सबसे लास्ट वाली बॉर्डर को जो है पीछे से घुमा करके लाएंगे। पीछे से घुमा करके लाने के बाद हम अपनी सारी प्लेट्स को जो है वो अच्छे से अरेंज कर देंगे एक बार और। आप प्लेट्स को पहले से ही अरेंज करते हुए चलेंगे तो आपको बाद में प्लेट्स को ज़्यादा अरेंज नहीं करना पड़ेगा। अब हम अपनी हिप्स के यहाँ पे जो है इस साड़ी को एकदम टाइट तरीके से खींच के लाएंगे और यहाँ पे पिन से जो है सिक्योर कर देंगे हिप्स की प्लेट बना करके। आप बिगनर हैं तो आप इसको एक एक करके ले सकते हैं। और अगर ये नहीं भी करना चाहते, आप हिप्स वाली प्लेट नहीं बनाना चाहते, तो एक बार से कोना पकड़ के लाएं और उसे पिन से सिक्योर कर दें, ताकि आपकी साड़ी जो है वो एकदम टाइट फिटिंग ड्रैप हो। और जब आप पिन को लगा रहे हो, पिन से सिक्योर कर रहे हो, तब आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो पिन है साड़ी के साथ साथ पेटीकोट में भी लगे, ताकि साड़ी इधर उधर ना भागे, साड़ी ढीली ना हो। अगर आप पेटीकोट में सिक्योर करेंगे तो वो अच्छे से टिकी रहेगी और साड़ी ढीली नहीं होगी बार बार। ये हमारी हिप्स की प्लेट्स जो हैं वो बन चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेंटर प्लेट्स के साइड। सेंटर प्लेट बनाने से पहले हमें इस तरह से कपड़े को जो है वो मेज़र करना है। उसके बाद हम यहाँ पे भी फिंगर एंड थंब की हेल्प से ही प्लेट्स बनाएंगे, एक एक करके सारी प्लेट्स बना लेंगे। उसके बाद जो हमारी सबसे ऊपर वाली प्लेट रहती है, हम इसको खोल करके सारी प्लेट्स को जो है वो अरेंज कर लेंगे और इससे कवर कर देंगे। ये प्लेट्स हमेशा हमें बड़ी रखनी चाहिए, बाकी की जो अंदर वाली प्लेट्स हैं उन सबसे बड़ी ये प्लेट होनी चाहिए। हम जो पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हैं वो इसीलिए छोड़ते हैं, ताकि बाद में हम उन प्लेट्स को जो है वो कवर कर सकें उस फैब्रिक से। और यहाँ पर मेरी सारी प्लेट्स जो हैं वो बन चुकी हैं, मैं इनको एक बार अच्छे से अरेंज कर लूँगी। अरेंज करने के बाद मैं यहाँ पे इन्हें टक कर दूँगी। टक करते टाइम भी आप इस बात का ध्यान रखें कि प्लेट्स जो हैं वो इधर उधर ना हो, इनको
सावधानी से थोड़ा टक करें और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको खींच करके हम हमारे राइट हैंड साइड दबा देंगे और पल्लू से उस पोर्शन को टक देंगे और एक बार सारी साड़ी को जो है वो अरेंज कर देंगे। और ये रहा गाइस फाइनल लुक। अपने लुक को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे आप साड़ी पिन और कमरबंद वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।